परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई थी, हे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड, जानना चाहते हैं ना आप? प्रेज द लॉर्ड। हम अपने पड़ोसी, हमारा जो रिश्ता है वो कैसे मजबूत होता है, जब हम किसी की इच्छाओं पर चलते हैं। पति पत्नी की इच्छा पे चलता है, पत्नी आपके पति की इच्छा पे चलती है, दोस्त जो है एक दूसरे की इच्छा पे चलते हैं, तो हमारा जो रिश्ता है मजबूत होता है। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है उसकी इच्छा क्या है और वो क्या चाहता है हमसे। हालेलुया। तो उसके लिए वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 127:3। पहला वचन मैं पढ़ता हूं, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं, गर्व का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने हमको चुना, अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा, और उत्पत्ति 1:28 कहता है कि उसने कहा कि धरती पर फूलो फलो और बस जाओ, और रेंगने वाले जीव जंतुओं को, पक्षियों पर, जितने भी जानवर, जितने भी धरती पर मानव हैं, जितने भी हैं लोग, उनको बस में कर लो। प्रेज द लॉर्ड, उनको अपने अधिकार में कर लो। यानी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है, हम धरती को अपने बस में कर लें। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए यह है। जोर से बोलिए, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए यह है कि मैं धरती को अपने बस में कर लूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है इसके लिए उसने हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है, अपना रूप दिया, अपनी छवि दी है, अपनी समानता अपनी लाइकनेस दी है उसने हमको। और क्या क्या दिया है? हालेलुया। यिर्मयाह 1:4-5, देखिए आप परमेश्वर की योजनाओं को समझिए, परमेश्वर क्या चाहता है, बहुत बड़ा काम। आप समझते क्या है, धरती को अपने बस में करना बहुत बड़ा असंभव काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की यही इच्छा आपके लिए कि हम धरती को अपने बस में कर लें। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 1:4, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, आगे 5, गर्भ के रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हर एक भाई हर एक बहन के लिए है, गर्भ में रचने से पहले पिता परमेश्वर ने आप पर अपना मन लगाया। प्रेज द लॉर्ड, आप पर अपना चित लगाया। हालेलुया, क्योंकि उसने, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो। आप पर पिता परमेश्वर ने मन लगाया। हम क्या हैं? प्रेज द लॉर्ड, वो सर्वशक्तिमान है, वो महाज्ञानी है, असंभव को संभव करने वाला वो है। उसने हम पर, हम दीन हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम पर अपना मन लगाया। हालेलुया। क्यों लगाया? भजन संहिता 147:13 और उसके बाद भजन संहिता 71:6, हम पर उसने अपना मन लगाया, अपना चित लगाया। वो हमेशा हमारे बारे में सोच रहा है कि मैं अपने इस बच्चे को अब धरती पर भेज रहा हूं, इसको मैं क्या दूं, इसको मैं कौन सा रूप दूं। प्रेज द लॉर्ड, आपको धरती पर भेजने से पहले उसने मन लगाया, कौन सा गुण आप में डाले, कौन सी शक्तियां आप में हो, कैसे हो आप, हो आप पर अपना मन लगाया। और भजन संहिता 139:13 क्या कहता है बेटा? मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। उसने सिर्फ हमें मन पर मन ही नहीं लगाया, हमारी माँ के गर्भ में उसने हमें रचा है। हेलो, आपको रचने वाला आपका माँ बाप नहीं है, आपकी माँ की कोख में रचने वाला आपका पिता है, आपकी हड्डियों को रचने वाला आपका पिता है, आपके मांस को, आपके रूप को देने वाला आपका पिता है। यानी कि
उसकी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करने के लिए वो आपका मन लगाता है और मां के गर्भ में वो रचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 71 का 6, भजन संहिता 71 का 6, उसने हम पर मन लगाया और मां के गर्भ में उसने रचा। भजन संहिता 71 का 6 क्या कहता है कि बचपन से ही मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप गर्भ से, अपनी मां के गर्भ से निकलते ही उसके द्वारा संभाले गए। हालेलुया, वो हाथ डॉक्टर के नहीं थे, वो हाथ किसी नर्स के नहीं थे जिसने आपको मां की कोख से निकाला, वो हाथ पिता परमेश्वर के थे। हालेलुया, वो हाथ आपके पिता के थे जिसने आपको अपनी मां के गर्भ से निकाल कर आपकी मां की झोली में डाल दिया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके द्वारा धरती पर पूरी हो। हालेलुया, आप समझिए, गर्भ से रचने वाला परमेश्वर, आप परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता है। जब आप कुछ नहीं थे, जब आपकी आपका अस्तित्व नहीं था, आपका रूप नहीं था, तब उसने आप पर अपना चित्र लगाया। आपका नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, आप कौन से गर्भ में जाएंगे, आप कौन से परिवार में जाएंगे, आपको नहीं पता था, उसको पता था, इसलिए उसने आप पर अपना चित लगाया। मां के गर्भ में आपको रचा, आपकी हड्डियों को रचा, आपके रूप को रचा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए कि आपके शरीर पर जब वो रच रहा था, उसने पूरी सृष्टि अपने वचनों से बनाई है। हेलो, उसने पूरी सृष्टि किससे बनाई है? वचनों से। कि बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता 139 का 13, कि उसने अपने हाथों से आपको रचा है। हालेलुया, आपके शरीर पर उसके उंगलियों के स्पर्श है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके शरीर पर उसकी हाथ लगे हैं, हमारे अंदर उसकी सांसें हैं। प्रेज द लॉर्ड, उसने रचा है। भजन संहिता 71 का 6 का कहता है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे मां की कोख से तूने ही निकाला है, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें निकालने वाला तू है, इसलिए कभी कभी हम जब कुंठित होते हैं, जब हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि अरे भाई हमारा कौन होगा, कौन है हमारा संभालने वाला, जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, हम अकेले नहीं हैं, हमें बनाने वाला पिता हमारे हमेशा साथ में है। हालेलुया, उसने हमें मां के गर्भ से रचा, उसने रचा है, पहले से मन लगाया है, हमारी हड्डियों को, हमारे मांस को, हमारे रूप को बनाने वाला हमारा पिता है। इसलिए कभी मत समझिए मेरे भाई कि आप इस धरती पर अकेले हैं, नहीं, कभी मत समझिए कि आप कुछ नहीं है। मेरी बच्ची, जमीन का पिता तुझे छोड़ सकता है, लेकिन तेरा स्वर्गीय पिता तुझे नहीं छोड़ सकता है। उस पर भरोसा रख, अपने आप को उस पर डाल दे कि पिता तू है, तू जो चाहे वो मेरे जीवन में हो, जो तू ना चाहे वो मेरे जीवन में ना हो। हालेलुया, इसलिए वो कहता है 127 का 3, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं। इसलिए देखिए वचन क्या कहता है, जो हमने पहले पढ़ा था कि जब मां की गर्भ में बच्चा आता है, जब मां की गर्भ में बच्चा आता है, रचा किसने? परमेश्वर ने। बनाया किसने? परमेश्वर ने। चित किसने लगाया? परमेश्वर ने। मां की कोख से निकाला किसने? परमेश्वर ने। मां की गोद में डाला किसने? परमेश्वर ने। अब यहां पर परमेश्वर कहता है कि जो बच्चा मैंने तेरी कोख में डाला है, जो बच्चा मैंने तेरी गोदी में डाला है, वो तेरे लिए दान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं, वो कौन है? तेरे लिए दान है, यानी कि परमेश्वर की अमानत है। हालेलुया, कभी भी हम अपने बच्चे को अमानत नहीं समझते,
वो कहता है कि तेरा तेरी गोदी में डालने वाला जो पुत्र है, जो पुत्री है, जो मेरा दिया हुआ है, मैंने तेरी कोख में डाला है, मैंने तेरी गोदी में डाला है, और वो तेरे लिए दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि हम धरती को अपने अधिकार में ले लें, इसलिए बाइबल कहती है कि उन बच्चों का ज्ञान अब तू देगा। उन बच्चों को ज्ञान जो धरती का है, परमेश्वर का है, वो कौन देगा? कौन देगा? आप देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो बच्चा दिया है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो फल दिया है, आपका जो दान दिया है, वो आपके लिए प्रतिफल है। हालेलुया। हम सबसे बड़ी कमजोरी क्या करते हैं कि हमें जो बच्चा मिलता है, हम परमेश्वर का ज्ञान उसे नहीं देते, हम उसे दुनिया का ज्ञान देते हैं। हम उसे कहते हैं मैं तेरी माँ, ये तेरा पिता, ये चाचा, ये मामा, ये ताऊ, सबका इंट्रोडक्शन कराते हैं, लेकिन पिता से इंट्रोडक्शन नहीं कराते उसका। दिया किसने है? पिता ने। रचा किसने है? पिता ने। हड्डियां किसने बनाई है? पिता ने। चित किसने लगाया है? पिता ने। अमानत के रूप में हमारे हमारे जीवन में, हमारी गोदी में दिया किसने है? पिता ने। लेकिन हम उसे पिता से नहीं मिलवाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए हम अपने बच्चे को लेकर थोड़े से संशय में रहते हैं, थोड़े से दुखी रहते हैं उसके भविष्य के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस दिन आप ये मन से धारण कर लेंगे कि मेरे बच्चे को देने वाला, मेरी गोदी में डालने वाला मेरा पिता है, इसका असली रचयिता पिता है, इसके साथ चलने वाला पिता है, इसको जीवन देने वाला पिता है, इसको बुद्धि देने वाला पिता है, इसको आशीष देने वाला पिता है, इसका भविष्य बनाने वाला पिता है, जिस दिन आप यह विश्वास कर लेंगी और जिस दिन आप पिता को उससे इंट्रोड्यूस कराएंगी, आप अपने बच्चे के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहेंगी। क्योंकि आप जान चुकी हैं, आप बता चुकी हैं कि आपका, मेरे बच्चे का पिता कौन है? परमेश्वर। लेकिन हम उसको उससे, पिता से नहीं मिलवाते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम उसे अपना समझते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बच्चे को अपना समझते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो परमेश्वर का है, वो जो बुद्धि परमेश्वर की है, वो जो समझ परमेश्वर की है, वो हमारे बच्चे को मिलना जरूरी है। हालेलुया। और जब वो मिलती है, तब हमारा बच्चा उस परमेश्वर को जानता है, और जब हमारा बच्चा उस परमेश्वर को जानता है, तब वो परमेश्वर के बनाए हुए नियम को जानता है, और जब वो परमेश्वर के बनाए हुए नियम को जानता है, तो उसके बनाए हुए नियम के अनुसार वो चलना सीखता है। और मेरी बहन, मेरे भाई, जब आपका बच्चा परमेश्वर के बनाए हुए नियम के अनुसार इस धरती पर चलता है, तो विश्वास करिए कि उसके साथ वो अकेला नहीं होता, उसका पिता उसके साथ चलता है। फिर आपको और हमको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, क्योंकि आपने परमेश्वर का ज्ञान उसको दे दिया। हन्ना जो जिसकी कोख बंद कर दी थी परमेश्वर ने, 1 शमूएल 1:5, उसकी कोख बंद कर दी थी परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मुझे एक ऐसा नबी मिले, मुझे ऐसा बालक मिले जिसको मैं अपने अनुसार चलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय तक नबी नहीं था, यहोशू के बाद कोई नबी नहीं था परमेश्वर के बाद, जिसके द्वारा वो अपनी बात कह सकता था। इसलिए हन्ना को उसने चुना। हन्ना जो कि परमेश्वर से प्रेम करती थी, वो एक ऐसी माँ थी जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, लेकिन उसके बच्चा ना होने की वजह से वो परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चे के लिए तड़पती थी, परमेश्वर से ज्यादा वो अपने बच्चे के लिए तड़पती थी, वो रोती थी अपने बच्चे के लिए, मुझे बच्चा होना चाहिए। उसको बिना, अपने बच्चे के बिना वो अपने आप को अधूरी समझती थी, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। हम पिता के बिना अकेले हैं। अगर हमारे संग पिता है तो सब कुछ है हमारे साथ। हमने क्या कहते थे? नहीं, मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है, मैं अधूरी हूं, मैं पूरी नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना ने वाचा बांधी, हे पिता परमेश्वर, अगर तू मेरी कोख खोलेगा और मेरा बच्चा देगा, तो मैं इस बच्चे को तुझे समर्पित कर दूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर ने उस वाचा को समझा, परमेश्वर ने उस वाचा का आदर किया, मान किया, सम्मान किया और आशीष दिया और उसके बच्चा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग जानते हैं उस कहानी को, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही शमूएल को एक दान के रूप में परमेश्वर ने उसकी गोद में डाला, क्या कहता है भजन संहिता 127 का 3 कि देखो बच्चे तुम्हारे लिए गर्भ का दान है, परमेश्वर की ओर से दान है। हन्ना ने इस बात को समझ लिया था, जैसे ही वो दान, एक बच्चा दान के रूप में, जैसे ही परमेश्वर, जैसे ही हन्ना की गोद में आया, उसने अपने शरीर के सुख के लिए जीवन नहीं जिया, उसने संसार के लिए जीवन नहीं जिया, वो अपने पिता का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान अपने बच्चे को देने लगी। हालेलुया, जिसके बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत अलकाना, जिसका पति था, बहुत पैसे वाले थे वो लोग, लेकिन उसे कोई बर्थडे नहीं मनाया, कोई नहीं कपड़े वपड़े ले आए, उसने अपने बच्चे को दूध पिलाती रही और बताती रही कि तेरा पिता यहोवा है, तेरी माँ यहोवा है। 3 साल तक वो सिर्फ अपने बच्चे को वो शिक्षा देती रही जो परमेश्वर की थी, वो ज्ञान देती रही जो परमेश्वर का था। उसने नहीं बताया कि तेरा बाप अलकाना है, उसका ये बिजनेस है, उसकी ये दुकान है, वो ये करता है, यहां से पैसा आता है, हमारे पास इतना पैसा है, नहीं। उसने अपना कर्तव्य निभाया, अपने बच्चे को बताया कि नहीं, तेरी मां यहोवा है, तेरा पिता यहोवा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जैसे उसका समर्पण था, जैसे उसका प्यार था, जैसे उसे जो दायित्व मिला था परमेश्वर की ओर से, उस दायित्व को हन्ना ने पूरी बखूबी निभाया। और जब वो 3 साल का हो गया, जैसे उसने दूध पीना छोड़ा, वो हन्ना को, वो शमूएल को परमेश्वर के मंदिर में ले गई। हालेलुया। उसने उसका नाम शमूएल इसलिए रखा, शमूएल का मतलब क्या है, परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने बच्चे का नाम रखा शमूएल, ताकि जब मैं इसे बुलाऊं शमूएल, तो मुझे याद रहे कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये वाचा का पुत्र है, ये मेरा नहीं है। हालेलुया। और उसने पिता के बारे में बताया और उसे 3 साल के बाद मंदिर में छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब शमूएल मंदिर में गया तो उसने पीछे मुड़कर अपनी मां को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। वो उस मंदिर में था और जब पिता की आवाज आई तो पिता की आवाज सुनता था और दुनिया को बताता था। बाइबल कहती है कि इज़राइल में एक भी वचन, एक भी शब्द शमूएल के मुंह से जो भी निकला है वो पूरा हुआ है, एक भी वचन नहीं गिरा। पर उसने जो कहा है परमेश्वर ने पूरा किया। और उसका दूसरा भाग क्या है, 127 का 3 का पूरा भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है कि प्रतिफल है, बच्चे मां का गर्भ परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो दान परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके लिए प्रतिफल है। हन्ना ने परमेश्वर की वाचा को निभाया, वाचा के अनुसार चला, अपने शमूएल को वो ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी कि तेरा पिता यहोवा है, तेरी माँ यहोवा है, और वो प्रतिफल उसको मिला कि उसके बाद उसके 5 बच्चे हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहा वो उसके एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन जब उस दान के रूप में, जब उसने अपने पिता की आज्ञा मानी, जब उसने पिता के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार, जब उसने अपने शमूएल को वो ज्ञान दिया जो परमेश्वर की इच्छा थी, उसको प्रतिफल मिला और उसके 5 बच्चे हुए। मेरे भाई, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू अपनी बुद्धि से काम ना ले, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को देख, नीति वचन 4:20-23 के बीच में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि मेरा बच्चा धरती पर अधिकार करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर, मैं एक पिता हूं या कई पिता बैठे हैं, हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हर पिता चाहता है कि मेरे बच्चे का अच्छा भविष्य हो। पिता परमेश्वर क्या चाहता है, जिसको उसने रचा है, कि मेरा बच्चा इस बनाई, मेरी बनाई हुई धरती को अपने अधिकार में ले ले। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो क्या कहता है, चार का नीति वचन चार का बीस, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां उसने बताया कि तू मेरा पुत्र है। हे मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, तुझे मैंने रचा है। धरती का तेरा पिता दूसरा होगा, तेरी माँ दूसरी होगी, लेकिन तुझे रचने वाला मैं हूं। ये वचन बताता है जब वो कहता है हे मेरे पुत्र, यहां वो कहता है कि तू मेरा पुत्र है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। इस धरती पर तुझे रहते हुए ध्यान किस पे देना है, मेरे वचनों पर, मेरे मुख से निकले हुए वचन पर। जो मैंने कहा है उसको समझ, उसको सुन, तेरा ध्यान नहीं भटके। प्रेज़ द लॉर्ड, संसार की चीजों में तेरा ध्यान ना हो, ध्यान धर के मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया, अपना कान, ये जो कान है शरीर का जो एक हिस्सा है, जो तेरी शक्ति है, उसका यूज कर मेरी बातों को सुनने के लिए। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम दुनिया की बातों को सुनने के लिए कान लगाते हैं, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है उस पर कान लगाते हैं, पिता के मन में क्या है उस पर कान नहीं लगाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने कान को हमारे अंदर जो पिता बैठा है उसको सुनने के लिए नहीं लगाते। हम कौन है, हम कौन है प्रभु के मंदिर, हालेलुया, हम कौन है प्रभु के, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु कहाँ बैठा हुआ है, हमारे अंदर। तो इन कानों को हमें कहाँ लगाना है, मेरे प्रभु के, जो प्रभु मेरे अंदर बैठा हुआ है उसको सुनने के लिए कान लगाने हैं। लेकिन हम कहाँ कान लगाते, अपने पड़ोसी, वो दीवार के पीछे क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है। हालेलुया, मेरे वचनों पर अपना कान लगा, अपना कान मेरी बातों पर लगा, जो मैंने कहा है उसको सुन, आदि से अंत तक जो मैंने कहा है उसको सुन, जो इस बाइबल में मैंने कहा है उसको समझ। आगे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, जो तू सुन रहा है, ध्यान दीजिए, एक एक वचन पर को समझिए। आप जो आप सुन रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन देखता है। अभी क्या कहा परमेश्वर ने बीसवें में, कि जो वचन तू सुनता है उसको अपनी अपने कान उसकी ओर लगा, लेकिन इनको अपनी आंखों से ओझल मत होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है तो उसको देख भी सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे देखेगा वचन, जब आपके अंदर इशू होगा, जब आपके अंदर इशू होगा तब परमेश्वर का वचन आप में दिखेगा। जब आप इशू के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का वचन आप में दिखेगा। हालेलुया, क्या कहता है वचन, एक दूसरे से प्यार करो। जब आप एक दूसरे से प्यार करेंगे तो वचन आप में दिखेगा। एक दूसरे को क्षमा करो, जब आप क्षमा करेंगे तो वचन आप में दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए वो क्या कहता है कि इनको, इन वचनों को अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले। वो मन जो परमेश्वर ने आपका नया कर दिया है, एजिकल 36 25 से 27 के बीच में आपको एक नया मन दिया है, आपको नया किया है मेरे भाई। क्यों नया किया है, ताकि आप धरती पर को अपने अधिकार में कर लें। आपको नया मन दिया है, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा ही धरती पर राज्य करने के लिए है, गुलाम बनने के लिए नहीं।
हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और डर के जिंदगी जी रहे हैं, पता नहीं क्या होगा मेरा, पता नहीं कैसे अब हालात आएंगे। नहीं, हमें परमेश्वर ने रचा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको रचने वाला आपका पिता है, आपका सर्व शक्तिमान पिता है। वो क्या कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, प्रेज द लॉर्ड, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से अशुद्ध कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। आगे, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने आपको मन को नया कर दिया है। वो मन जिसमें पाप था निकाल दिया है, वो मन जो बीमार था उसको निकाल दिया है, वो मन जिसमें असाध्य रोग था वो निकाल दिया है। आपके अंदर नया मन है, वो मन जिसमें परमेश्वर की शुद्धता है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें परमेश्वर का अभिषेक है, सामर्थ है, वो मन आपको दिया है और वही मन आपके बच्चे को दिया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है उस मन के अंदर मेरे वचन को धारण कर। नीति वचन 4:21 क्या कहता है कि उस मन के अंदर जिसको मैं नया कर चुका हूं, जिसको मैं पवित्र कर चुका हूं, जिसको मैं तेरे, जिसको मैं अपने योग्य बना चुका हूं, उसमें तू मेरे वचन धारण कर, तब तू उन वचनों को समझेगा, तब तू समझेगा इन वचनों को। अगर तू धारण नहीं करेगा तो नहीं समझेगा। रख ले, सुनकर बाहर मत जाने दे। हम लोग क्या करते हैं, वचन यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं, इसलिए वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करते। आप उसको रखिए, उस वचन को हमें रखना है। कैसे रखना है, जब हम विश्वास करेंगे कि ये वचन पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पिता ने आपको उनके, आपके पिता के पास 4 मकान हैं और आप 4 भाई हैं। पिता ने कहा एक एक मकान सबको दूंगा, ये वचन आपने अपने अंदर रख लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब पिता की डेथ होगी तो मकान किसका होगा, एक, क्योंकि आपने अपने अंदर रख लिया है, यस ये पापा ने कहा है, दिस इज माइन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरीके से वो जो स्वर्गीय पिता है ना, वो जमीनी पिता से ज्यादा सच बोलता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, निश्चय ही मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 6:14, निश्चय कोई भी डाउट नहीं है, मैं तुझे उठाऊंगा ऊंचा, तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को ऊंचा उठाऊंगा। इब्रानियों 6:14, इब्रानियों, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, कम नहीं। यहां परमेश्वर यह भी कह सकता था कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, इतना ही वादा परमेश्वर का हमारे लिए बहुत था। हालेलुया, इतना ही परमेश्वर का वादा, वो परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, यही बहुत है। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या कहता है, और तेरी संतान, आमीन। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, शुरू से पढ़िए बहन, कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। ये 3 शब्द हैं, सचमुच, बहुत, आशीष। एक तो बहुत लगा रहा है वो, और उसके बोला सचमुच, बिना संदेह, संदेह मत कर। हम क्यों नहीं पाते, हम संदेह करते हैं। परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम संदेह करते हैं।
मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। बोलिए, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। अब इसे अंगीकार करिए, बोलिए मेरा पिता, मेरा पिता, दिल से बोलिए मेरा पिता सचमुच मुझे बहुत आशीष देगा। आमीन। अंगीकार करिए, यही तो हमारी वसीयत है, यही तो हमारी वसीयत है। जो पिता ने कहा वो हमें मिल गया, यही तो हमारी पूंजी है। और हमारे पास है क्या? हमारे पास क्या है मेरे बहन? हमारे पास वही खजाना है, उसका वचन ही तो है हमारे पास खजाना। मेरे यीशु ने कहा वो आएगा और हमको लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या है? वचन ही तो हमारा खजाना है, उसका प्रॉमिस तो हमारे खजाना है। उसने कहा है कि मैं और समझिए, 14 पूरा पढ़ो। मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। हाँ। और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। अब भी कोई शक है? कौन कह रहा है? प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी शपथ खा रहा है, वो अपनी कसम खा रहा है। इब्राहिम के संग उसने अपनी कसम खाई थी। अगर उत्पत्ति 22 का 17-18 पढ़ेंगे, 19, उत्पत्ति 22 17-18 19-20 पढ़िए आप। उसने अपनी शपथ खाई कि इब्राहिम तूने आज वो काम किया है, तूने बता दिया है कि तू अपने बेटे से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। उसके बाद 15 पढ़िए, 15 पढ़िए इसका, इसका 15वां। इस कारण, हाँ बोल बोल, लगा लगा। और इस रीति से, एक मिनट देख देख, उत्पत्ति 22 का 17, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। 18वां, इसी का 18वां, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तू मेरी बातों मानी है। आमीन। इब्रानियों का 6:15, इब्रानियों 6:15। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। आमीन। हेलो, ये आपको कैसे प्राप्त करना? देखिए बाइबल क्या बताती है। 15:15, 6:15, और इसी रीति से किसने? इब्राहिम ने, कि मैं निश्चय ही, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी औलाद को सचमुच बढ़ाता जाऊंगा। उसने क्या किया? इसी रीति से धीरज धर के, यस ऐसा होगा, यस ऐसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त कर ली। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खजाना ये है कि हम विश्वास करें। अगर हम विश्वास नहीं करते, हन्ना ने विश्वास किया कि मैं जो अपने बेटे को पढ़ा रही हूं, मैं जो ज्ञान अपने बेटे को दे रही हूं, वाकई उसका पिता यहोवा है, उसकी मां यहोवा है। जिस दिन आप ये विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन तब तक आपके बच्चे को बुद्धि नहीं मिलेगी। दीजिए परमेश्वर के लिए बच्चे को, छोड़ दीजिए बच्चे को, ज्ञान दीजिए अपने बच्चे, अपने परमेश्वर का। हम संडे स्कूल, संडे जो स्कूल हम चलाते हैं, स्पेशल एक बहन जो कि ज्ञान है जिसको वचनों का, उसको बैठाता हूं मैं वहां पर, ताकि बच्चों को अच्छा ज्ञान मिले। बहुत जरूरी है मेरी बहन, सही ज्ञान बच्चे को मिलना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। इसका 22वां पढ़ो, नीति वचन 4:22।
पढ़िए नीति वचन 4:22, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, क्योंकि जो इन्हें पा लेते हैं उनके लिए वे जीवन है। क्या पा लेते हैं? वचन, आज्ञाएं, जो इन्हें पा लेते हैं, जो इन्हें अपने मन में रख लेते हैं। हालेलुया, जब आप अपने बॉस के अनुसार काम करते हैं, जो बॉस ने कहा आपने मन में रख लिया, यस, और बॉस के अनुसार चलते हैं, आपकी तरक्की निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। धरती पर जो आपका अध्यक्ष है, आपका जो बॉस है, आप उसे मानो सम्मान दीजिए। जो इन्हें अपने मन में रख लेते हैं उनके लिए भी जीवन है। फिर परमेश्वर के मुख से निकली हर बात आपके लिए जीवन है यदि आप अपने मन में रख लेते हैं। जिनको वह प्राप्त होती हैं, जिनको वह प्राप्त करके अपने मन में रख लेते हैं। ये नहीं कि संडे को आए, बात सुनी, बहुत अच्छा लगा वचन, फिर गए, फिर संसारिक हो गए, कोई फायदा नहीं है। उस वचन के अनुसार मेरे भाई अगर आप नहीं चलेंगे तो आप वो आशीष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अभी तो आप आशीष को समझते ही नहीं है, आपने वो फल देखा ही नहीं है। अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं, ट्रेलर, फिल्म तो अभी बाकी है। मैं सच कह रहा हूं, उस चीज को आपने चखा ही नहीं है। जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपका जीवन हमेशा चंगा रहेगा, आप में उत्साह बना रहेगा, आप में शांति बनी रहेगी, आप में आनंद बना रहेगा हमेशा, क्योंकि आपने उसका वचन, उसके मुख से हुए निकला हुआ वचन, वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर की योजना को आपने अपने मन में उतार लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन उतारने के बाद आप कहीं भी जाइए, वो वचन आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो वचन आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 23वां, सबके अधिक पाने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने मन में उसे बसा ले। तेरा मन जो है वो धोखेबाज है, अपने मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा शैतान का अटैक कहां होता है? मन में। संदेह वो कहां लाता है? मन में। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन में, जब तक तू अपने मन की रक्षा नहीं करेगा, देखिए मन जो बहुत ही शैतान बहुत ही आसानी से उसे अपने कब्जे में कर लेता है, क्योंकि आप शरीर को, शरीर के मन को आप बांध नहीं पाते, क्योंकि शरीर का सुख हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शरीर का सुख। और शरीर, और जो शैतान है वो शरीर पर ही वार करता है, इसलिए वो कहता है अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, बेस, आधार वही है। आपके जीवन में सुख और जीवन में शांति और जीवन में क्रोध और जीवन में तनाव मन से आता है। मन को काबू कर, मन में कोई ऐसी चीज ना जाए जो आपको अशांत कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलीशीबा और जकरिया के बारे में आपने सुना होगा, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा की मां थी और बाप था। जकरिया एक याजक था, प्रेज द लॉर्ड, याजक था, और क्या प्रार्थना करता था कि मुझे बच्चा हो, मुझे बच्चा हो। जिब्राइल दूत वहां पर आया मंदिर में और जिब्राइल दूत ने कहा कि तेरे बच्चा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है कि तेरे बच्चा होगा। लूका निकालिए, लूका। उसने क्या कहा कि तेरे बच्चा होगा। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन 18वें वचन में क्या कहता है जकर्या? जकर्या ने स्वर्गदूत से पूछा कि मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या आया जकर्या के मन में? संदेह। संदेह ने उस विश्वास को तोड़ दिया। कौन लेके आया संदेश? संदेह कौन लेके आया? शैतान। अरे वो एक याजक है, वो परमेश्वर को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसकी प्रार्थना कर रहा है? अपने बच्चे की। अगर तू संदेह करता है ये कैसे होगा, तू प्रार्थना क्यों कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जकर्या कहता है कि निश्चित कैसे होगा, अगर वो संदेह कर रहा है तो वो प्रार्थना क्यों कर रहा है कि मेरे बच्चा हो? हालेलुया। ये किसने किया? शैतान ने किया। किसने डाला संदेह? शैतान ने। हालेलुया। 19वां क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं जिब्राइल हूं। उसको बताया कि मैं कौन हूं, कौन बोल रहा हूं मैं। आप जब भी किसी से बात करें, आप ये जानने की कोशिश करें, है कौन, बोल कौन रहा है। आज जब कलीसिया आते हैं तो आप जानिए कि पास्टर कौन, पास्टर बोल रहा है, वचन बोल रहा है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए कि कौन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है, आम आदमी नहीं बोल रहा है। हम बाइबल को पढ़कर भी समझते नहीं है, ये बाइबल किसी राइटर ने नहीं लिखी अपने हाथ से, ये बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। इसलिए इसका एक एक शब्द परमेश्वर के मुख से निकला है। संदेह मत करिए, शैतान आपको संदेह कराएगा। उसने कहा है निश्चय तुझे बहुत आशीष मिलेगी, मिलेगी। आप उसका पुत्र बन के रहिए, आप उसकी पुत्री बन के रहिए, आपको आशीष मिलेगी। लिखा हुआ है, मत डर बेटा, मिलेगी, उसकी पुत्री बन जा, अपने आप को समर्पित कर दे प्रभु के चरणों में, उसको पिता मान ले। 19वां, 1:19 क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे उस दिन आपको पता लगेगा परमेश्वर कौन है। अभी हम दूर से देख रहे हैं, सिंहासन के समक्ष जाने के लिए हम तड़पते हैं, लेकिन उसके योग्य फल लाइए आप। मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। आगे, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। मैं भेजा गया हूं, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। आज जो भी यहां बातें हो रही है परमेश्वर के द्वारा हो रही है। मैं जो प्रचार कर रहा हूं परमेश्वर के द्वारा कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन मैं बांट रहा हूं परमेश्वर के द्वारा बांट रहा हूं। मैं भेजा गया हूं, मैं चुना गया हूं, मैं बुलाया गया हूं। हेलो, इसको समझिए। आप कलीसिया में आए हैं, आपको परमेश्वर ने कलीसिया में बुलाया है, कलीसिया में एक परिवार बनाया है आपको। आप अपनी हैसियत को समझिए। आप कलीसिया में जुड़े हैं परमेश्वर की इच्छा से, उसकी कीमत को जानिए। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने आप नहीं आया हूं, मेरा नाम जिब्राइल है, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं भेजा गया हूं। क्या करने के लिए? सुसमाचार देने के लिए। और वो सुसमाचार यह है कि परमेश्वर एक नई वाचा धरती पर ला रहा है। शैतान नहीं चाहता था कि वो वाचा आए, इसलिए जिब्राइल के मन में संदेह डाल दिया। नई वाचा परमेश्वर की क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दौरा के द्वारा आई। नई वाचा परमेश्वर की ओर से यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा आई। बपतिस्मे की रीति, प्रेज़ द लॉर्ड, अनुग्रह की वाचा। अब परमेश्वर अनुग्रह करेगा। ये कब आया? यीशु के द्वारा। यीशु को कौन लाया? यूहन्ना बपतिस्मा वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा वाला किसका बेटा था? एलीशीबा, जकर्या का।
इसलिए उसने बच्चा पैदा किया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शैतान ने उसके मन में संदेह डाला कि मैं बुढ़ापे में कैसे पैदा कर सकता हूं। अरे मैं परमेश्वर है, हालेलुया। अगर मेरे संग परमेश्वर है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरी बहन। कोई संदेह अपने मन में मत रखिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर। नो, हमारे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ यीशु है। जो दुनिया सोच नहीं सकती वो मैं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर है। आप पिता से मांग रहे हैं संदेह। उस दिन पूनम ने अपने घर में किया, एक टीचर आए हुए थे हमारे, कीबोर्ड बजाते हैं। हम प्रार्थना कर रहे थे कि पूनम की बच्ची होगी, उसको आशीष दीजिए। तो टीचर मुझे बाहर बता, पास्टर जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया उसके बच्ची होगी? मैंने कहा होगी, हमारी प्रार्थना है, उसको बच्ची चाहिए, क्यों नहीं देगी बच्ची उसे? नहीं, ऐसा कोई बोलता नहीं है। मैंने कहा हम ऐसे ही बोलते हैं। हालेलुया। अरे मैं अपने पिता से मांगू, मुझे ये चाहिए, लेकिन आप जो चाहें। अरे क्यों, उसके लिए क्या बच्ची देना प्रॉब्लम है? नहीं फिर, हेलो, मुझे जरूरत है। और अगर वो सोचता है कि हाँ इसे जरूरत है, आपकी इच्छा पूरी होगी। आप पिता से मांग रहे हैं यार, अपने पड़ोसी से नहीं मांग रहे हैं। क्या आपने अपने पिता से जो कुछ मांगा आपको नहीं मिला क्या? जमीनी पिता से जिससे मांगा है, चाहे वो छोटा आदमी होगा बड़ा आदमी होगा, उसे आपने 200 मांगे होंगे, उसने 200 नहीं दिए होंगे? दिए होंगे। बाइबल कहती है जब जमीनी आदमी, जब जमीनी पिता आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, तो पिता क्यों नहीं कर सकता है? आपको मांगना नहीं आता, आपको विश्वास करना नहीं आता। शैतान ने संदेह डाल दिया जकरिया के अंदर कि क्या मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं। वो याजक था, उसने कहा तो गूंगा रहेगा, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा तो गूंगा रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा एक नई वाचा लेकर आ रहा था धरती पर। अगर जकरिया का संदेह अपनी बीवी तक पहुंचता, मोहल्ले वालों तक पहुंचता, तो उस वाचा की वैल्यू खत्म हो जाती। Praise the Lord, वो अनुग्रह की वाचा। इसलिए उसने मतलब तो गूंगा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा होगा। हालेलुया। हम कभी कभी अपने संदेह के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को रोकते हैं। आप जब संदेह करते हैं तो आप अपनी आशीषों को रोक रहे हैं। क्या मेरा पिता ऐसा करेगा? क्यों नहीं करेगा? अरे आपने संदेह किस पर किया? परम पिता परमेश्वर पर। उसने कहा है, अपनी शपथ खाई है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। अगर आपने विश्वास किया तो आपको बहुत आशीष मिलेगी। आपने विश्वास नहीं किया तो आशीष छूके चली जाएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्यों किसी के संग बहुत कुछ होता है और किसी के संग थोड़ा होता है? क्यों? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। आप यीशु के लिए नहीं जी रहे, आप संसार के लिए जी रहे हैं। यीशु के लिए जीना शुरू करिए, संसार के कामों को रखिए एक तरफ, देखिए परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता है। पहले तो आपका काम है, मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम। अरे तो फिर परमेश्वर काम कैसे करेगा आपके जीवन में? आप उसी काम से संतुष्ट हैं? आप अलौकिक काम अपने जीवन में देखना ही नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा पत्रस से, जा उस मछली के मुंह में डाल हाथ और वहां से तुझे चांदी का सिक्का मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर पत्रस नहीं जाता तो मिलता उसे? वो कहता नहीं, नहीं साहब, मुझे अपना जाल धोना है, मेरे बीवी बच्चों से मिलना है, पत्र मैं नहीं जाऊंगा यीशु मसीह। चल यूहन्ना तू जा। यूहन्ना को मिलता।
हालेलुया। पतरस के जीवन में अलौकिक सामर्थ, उसने अलौकिक सामर्थ को क्यों देखा? क्योंकि वो संसार को छोड़कर प्रभु के पीछे गया। अगर आपको अलौकिक सामर्थ, अलौकिक शक्तियां आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम करें और आप देखें, तो आपको संसार को छोड़ना पड़ेगा। पहला स्थान प्रभु है, बाद में दुनियादारी है। हालेलुया। मेरी बाइबल ने तो मुझे यही सिखाया है। मेरे लिए पहले प्रभु है, बाद में मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है। कोई भी, प्रभु पहले। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको रचा है, आप नहीं जानते। उसने आपको गर्भ से रचा है, इसलिए नहीं कि आप संसार के हो जाएं, आप संसार के काम में लगे रहें, इसलिए नहीं। आपको इसलिए रचा है ताकि आप उसकी योजना को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी का दूसरा पांच, आपका नीति वचन 2:5। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम धरती के अधिकारी बन जाएं। 2:5। तो तू यहोवा के भय को समझेगा। तब तू यहोवा के भय को समझेगा, तब तू जानेगा कि यहोवा का भय क्या है। आगे, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। और तब तुझे परमेश्वर का ज्ञान हासिल होगा। अभी तक तो तू इस ज्ञान के पीछे लगा हुआ है, कंप्यूटर कैसे चलता है, बोतल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब इसी ज्ञान में है। परमेश्वर का ज्ञान हासिल नहीं हुआ मेरे भाई। जिस दिन परमेश्वर का ज्ञान हमें मिल जाएगा, पौलुस को परमेश्वर का ज्ञान मिल गया था, शमूएल को परमेश्वर का ज्ञान मिल गया था, इब्राहिम को परमेश्वर का ज्ञान मिल गया था, इसीलिए उसने अपने बेटे की भी चिंता नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर का ज्ञान मिल गया था। शैतान ने किसकी परीक्षा की? अय्यूब की। किसके? शरीर की। की क्या कहा अय्यूब ने? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, नहीं चाहिए। उसने अपनी आत्मा को बेचने नहीं दिया, उसने अपने आत्मा को शोकित नहीं किया। अय्यूब ने अपनी आत्मा को शोकित नहीं किया, और क्या हुआ? अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब 42:10, तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जितना उसका गया था, उसका डबल पोर्शन उसको दे दिया, उसका डबल पोर्शन दिया उसको, जो भी उसके पास था, जो भी शैतान ने लिया था, उसका डबल पोर्शन परमेश्वर ने उसको दिया। अय्यूब ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, शैतान तो आपकी परीक्षा करेगा। आप कलीसिया आ रहे हैं, धंधे को खींच लेगा ताकि आपका विश्वास कमजोर हो जाए। आप सुने कलीसिया आने की वजह से हमारा धंधा कम हो रहा है। अरे नहीं भैया, आप नहीं जान रहे हैं, आपका विश्वास कमजोर है इसलिए धंधा। आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, आपका धंधा ऐसा उठेगा आप सोच नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, धंधा आपका उड़ गया फिर आप कलीसिया छोड़ देते। नहीं नहीं, आज संडे, आज कैसे जाएंगे, आज तो नहीं, नहीं आज ज्यादा काम आ गया है। यही सबसे बड़ी गलती है, यही आप चूक जाते हैं। काम अपनी जगह है, करिए, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करना चाहिए, लेकिन प्रभु पहले है। जिस दिन प्रभु को पहला स्थान देना शुरू कर दिया मेरे भाई, आपसे कोई भी आपका आशीष छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। आपके जीवन में बरकत बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन में बरकत चाहते हैं, प्रभु को पहला स्थान दीजिए। अपनी सेविंग्स देख लीजिए, आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी, आपकी सेविंग कम नहीं होगी। प्रभु को पहला स्थान दीजिए, आपकी सेविंग बढ़ेगी। काम के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए, काम आपके पीछे भागेगा। ये चैलेंज करता हूं मैं, काम आपके पीछे भागेगा। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, उस काम को करने की समझ किसने दी है? प्रभु ने। जरा सी आपकी बुद्धि निकल जाए, आप उसी काम को समझ नहीं पाएंगे जो आप 10 बार कर चुके हैं। अरे यार ये हो ही नहीं रहा,
तो 10 बार हुआ था, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रभु साथ में नहीं है। हालेलुया, आप इस चीज को समझिए। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 2:9-10-11। तब तू धर्म का धर्म और न्याय और इससे पहले क्या था, तब तू यहोवा के भय को समझ पाएगा और तब तू उसके ज्ञान को जान पाएगा। नवा क्या कहता है? नवा, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली, तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को निदान सब भली बात की चाल समझ सकेगा। तब तू उसकी चाल समझ सकेगा, न्याय क्या है, अनुग्रह क्या है, उसकी धार्मिकता क्या है, तब तू समझेगा। और जब तू समझ जाएगा, मान लीजिए, प्रेज द लॉर्ड, अगर तू उसकी धार्मिकता के बारे में, उसके न्याय के बारे में, उसके मन को समझने लगेगा, आप सोचिए आप में आप क्या बन जाएंगे। आप परमेश्वर के मन को समझ रहे हैं। मूसा के परमेश्वर के मन को जानता था, मूसा से परमेश्वर बात करता था कि मैं इसराइलियों के लिए ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। उसके बाद भी मूसा कहता है कि मुझे अपने मार्ग दिखा दे, मुझे सिखा क्या कि मैं तेरे मार्गों के अनुसार चलूं। तब भी कहता है मूसा, हालेलुया, क्योंकि मूसा जान गया था उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, वो इतना दीन था, इतना नम्र था, परमेश्वर ने उसे हारून के लिए परमेश्वर बना दिया था। 16 लाख लोगों को वो ऑर्डर देता था, जो बोलता था वो करते थे, 16 लाख लोग। आज हमारे पीछे अगर 5 लाख होते हैं तो हम लोग बदल जाते हैं, हमारा दिमाग उल्टा हो जाता है। अरे मैं जो बोलता हूं 5 लोग करते हैं, अरे गए। 16 लाख लोग वही करते थे। उसका ससुर आया इत्रो, और इत्रो ने कहा तो क्या कर रहा है मूसा, तो अकेला करेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अदालत ऐसे कर, 50-50, 100-100 के गुट पर लोगों को बिठा, 1000 के लोगों आपने बिठा, उसके ऊपर तू बैठ। कौन था मूसा? परमेश्वर का चुना हुआ। वो इत्रो जो अपने ससुर की बात सुन रहा था, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, इतना दीन था, और सिर्फ उसने सुनी नहीं, उसने करी। इतना दीन था, ये नहीं कह रहे 16 लाख लोगों को, इत्रो आप क्या मुझे बता रहे हो यार, मैं परमेश्वर के सामने रहता हूं, आप मुझे सिखाओगे नहीं। यही तो है, जितना बड़ा फल होता है वो उतना ही बड़ा झुक जाता है। हालेलुया, हमारे हम झुकना नहीं सीखते। पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दीन हूं और तुम दीन बनना सीखो। एक ही चीज मांगी है, मैं दीन हूं और तुम दीन बनना सीखो। हम दीन बनना ही नहीं सीखते और सब कुछ सीखते हैं। उसका यीशु का सामर्थ मुझ में आ जाए, मुझे प्रार्थना करना आए, चंगाई करना आ जाए, भविष्यवाणी करनी आ जाए, हम उस वो कह रहा है दीनता सीखो, ये सब चीजें तुम में आ जाएंगी। तुम दीन ही नहीं हो, अभी भी लड़ते हो, अभी भी ईर्ष्या है, अभी भी घमंड है, अभी भी द्वेष है। अरे कैसे आएगा? नहीं प्राप्त कर पाओगे उसको। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि जब परमेश्वर का भय तुम में आएगा तो तू धर्म और न्याय के बारे में जानेगा। 10वां, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। आमेन। जब तू उसकी धार्मिकता को बारे में जानेगा, जब तू परमेश्वर के मन के बारे में जानेगा, तो उसकी बुद्धि कहां प्रवेश करेगी? तेरे मन में, दिमाग में नहीं। लोगों को पता है कि सब बुद्धि कहां रहती है? दिमाग में। लेकिन गलत है, विश्वासियों की बुद्धि उनके हृदय में रहती है। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे अच्छा लगने लगेगा, सुख देने वाला है, सुख देने वाला लगेगा, सुख देने वाला। तो ज्ञान से प्यार करने लगेगा, जहां ज्ञान की बात होगी तो बैठ जाएगा, मुझे ज्ञान चाहिए। मूर्खों को ज्ञान पसंद नहीं है, बाइबल कहती है मूर्ख लोगों को ज्ञान पसंद नहीं है, लेकिन ज्ञान
आपको अच्छा लगने लगे, इसका मतलब कि परमेश्वर की बुद्धि आपके हृदय में आ गई है। अगर आपको ज्ञान अच्छा लगने लगा है, ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगने लगे, ज्ञान की बातों में आपकी ताड़ना भी होगी। आपने अगर गलत किया है तो वो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, हाँ यार सही है यार, मुझे ऐसा नहीं करना है, आई एम सॉरी, मुझसे ऐसा हो गया, ओह गलती है, प्रभु आपको आशीष देगा। जिसने अपनी गलती मान ली, जो दीन बन गया, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा। और हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की निगाह में ऊंचे उठें। दुख इस बात का है कि हम अपने दोस्तों के सहेलियों के नजर में ऊंचा उठना चाहते हैं और हम ये देखते नहीं कि हम परमेश्वर की नजर में गिर रहे हैं। अरे चाहे दुनिया की नजरों में नीचे झुक जाऊं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में मैं ऊंचा उठा, वही तो खजाना है, वही तो मेरी पूंजी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि जिस दिन तू उसके धर्म के बारे में जानेगा, धार्मिकता के बारे में जानेगा, तो उसकी बुद्धि तेरे हृदय में आएगी और तू ज्ञान से प्यार करने लगेगा। अगला, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, समझ तेरी रक्षक, और समझ तेरी रक्षक होगी। विवेक, आपका विवेक, पहले क्या था? व्यवस्था से पहले विवेक, विवेक की व्यवस्था थी, फिर मूसा की व्यवस्था आई, अभी अनुग्रह की व्यवस्था है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब विवेक की व्यवस्था क्या था, क्या आपका विवेक कहता था क्या अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा ये बुरा है, लेकिन कभी कभी करने की हम कर नहीं पाते थे, हम जानते थे ये अच्छा है लेकिन हम कर नहीं पाते थे क्योंकि पाप हमारे ऊपर भारी था। इसलिए रोमन 7:15 का कहता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे अंदर पाप है। मेरा मालिक कौन है? पाप है। इसलिए मुझे पाप, जो मेरा मालिक है, मैं कहता हूं नहीं 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 यार, गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है, बुरा यार, मेरा मेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा, नहीं नहीं। लेकिन फिर भी सामने वाला कोई गुटके वाला आया, उसने हाथ डाला और हमने उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कौन है हमारे अंदर? पाप। पाप हमारा मालिक बना हुआ है। इसलिए वो कहता है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, लेकिन क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूं। इसका मतलब करने वाला कौन हुआ मेरे अंदर? पाप। मैं जानता हूं गुस्सा करना गलत है, लेकिन गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं रोकता नहीं हूं। तो इसका मतलब आपका कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाइबल तो कहती है, यीशु कहता है, कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। हम तो किसी की बात ही नहीं सुनते, गाल की तो बात ही दूर हो जाए, थप्पड़ तो बात की बात है, हम किसी की बात भी नहीं सुन सकते। उसने ऐसा कहा, बस खत्म रिश्ता। तो यानी कि हमारा अहम कहां है? हम अभी तक आए नहीं, प्रभु के योग्य नहीं बन रहे, तो ये वचन कैसे काम करेगा? इसलिए वो कहता है कि मैं जो नहीं करना चाहता, और मैं जानता हूं कि गुस्सा करना अच्छा नहीं, फिर भी गुस्सा कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब पाप मेरे अंदर है। इसलिए वो कहता है कि विवेक तेरी रक्षा करेगा। नित्य वचन 2:11, जिस दिन तू धार्मिकता के कार्यों को समझेगा, जिस दिन प्रभु का ज्ञान तेरे अंदर आएगा, जिस दिन उसकी बुद्धि तेरे हृदय में आएगी, उस दिन तू विवेक तुझे सुरक्षित करेगा। जिस दिन अब तुझे विवेक ने कहा कि काम अच्छा यही करना है, क्योंकि विवेक आपको डायरेक्ट कर रहा और आप हो रहे हैं ओके, नहीं नहीं यही करना है, संबंध टूट रहे हो गए, परमेश्वर ने कहा है, विवेक मेरा जो गाइड कर रहा है मुझे उसी तरीके से चलना है। प्रेज द लॉर्ड। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगा, तब तेरी समझ सामने आएगी। हालेलुया। इन तीन चीजों को समझना मेरे भाई बहुत जरूरी है। हम बुद्धि नाम का शब्द सुनते हैं, समझ का सुनते हैं, विवेक का नाम सुनते हैं, लेकिन इन तीनों को हम समझते नहीं हैं। इन तीनों को समझिए। अगर आप नहीं समझते तो गहराई से समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर और ज़्यादा गहराई से नहीं बता पाऊँगा, कभी आप अकेले में आइए, मैं आपको समझाऊँगा कि वाकई में बुद्धि क्या है, समझ क्या है, विवेक क्या है। हालेलुया। तो कहता है कि विवेक तुझे सुरक्षित करेगा और समझ
तेरी सहायता करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम शैतान के बहकावे में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? अपने मुंह के शब्दों से। जबकि नीति वचन 18 का 21 का कहता है कि हमारे जीव पर मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसको यूज करना जानते हैं, उपयोग करना जानते हैं, वही उसका फल भोगते हैं। हालेलुया, नीति वचन 18 का 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब इसी का नीति वचन का 6 का 1-3 के बीच में है, जो हम सबके साथ होता है। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे हम शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। नीति वचन 1-3। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आमीन। देखिए, कई चीजें हैं धरती पर जो हमें नहीं करनी है, हमें किसी की सहायता करनी है। बाइबल कहती है हमें सहायता करनी है, हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, लेकिन हमें झूठी गवाही नहीं देनी है। अगर आपने कुछ ऐसी गवाही दे दी है जिस गवाही के कारण आप फंस रहे हैं, तो आप मुश्किल में आ गए, क्योंकि शैतान आपको ऐसे ही फंसाता है। इसका तीसरा देखिए, इसलिए है मेरे पुत्र एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है। आमीन। कैसे पड़ चुका है? अपनी बातों से। ध्यान दीजिए, कभी कभी आप सोचते हैं कि मैंने अपने पड़ोसी को वादा किया और मैं वादा नहीं भी पूरा करूंगा तो कौन देखता है? नहीं, आपके जुबान से निकला हुआ शब्द अगर पड़ोसी ने ले लिया है तो परमेश्वर इसका गवाह है। हम पीछे नहीं हट सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमने किसी को वादा किया है, इसलिए कहते हैं बाइबल में किसी को आस नहीं देनी चाहिए। कभी भी आस मत दीजिए, अरे आपका बच्चा होगा मैं देखूंगा, आप चिंता ना करिए, बच्चे की फीस मैं दूंगा। नहीं, जो करना है करिए और धन्यवाद और प्रार्थना करिए परमेश्वर से उनके लिए। कभी भी आस मत दीजिए, क्योंकि आपकी आस आपने जब दी है तो कौन साक्षी था? परमेश्वर। और आपने नहीं किया, उसके मन को दिखाया, तो कौन साक्षी है? न्याय कौन करेगा? नहीं, कभी नहीं। आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, पीछे हट जाइए। अगर आप पड़ोसी के हाथ में पड़ गए, अगर आपके वचनों को पड़ोसी ने ले लिया है, तो जा उसको साष्टांग प्रमाण करके मना कि नहीं भैया, गलती से हो गई थी मुझसे ये बात। अपने शब्दों का निपटारा न्याय वहीं कर ले। चौथा उसका पढ़ाई, चौथा, क्योंकि आपने, एक मिनट, आपने अपने मुख से जो शब्द निकाले हैं उस पड़ोसी ने उसको पकड़ लिया है। हालेलुया। कभी कभी हम झूठ में ही बोलकर अपने आप को प्रशंसा, अपनी प्रशंसा के लिए, सबके सामने सब चार भाई बहन खड़े हुए हैं सोसाइटी के, और हमने अपनी प्रशंसा के लिए कुछ बोल दिया ताकि हम उस समय सबकी आंखों में, हाँ क्या यार भाई बोले हैं, क्या ऐसा बोल के गए हैं। और बाद में पत्नी ने कहा, अरे छोड़ो यार, वो तो बात की बात थी, वहां बोल दी, अब कौन करने वाला है? नहीं, कभी भी ऐसा मत करिए, कभी भी ऐसा मत करिए, क्योंकि न्याय के दिन प्रॉब्लम होगी। परमेश्वर न्याय करने वाला है, इसलिए वो कहता है कि यहीं पर धरती पर ही निर्णय कर ले, आपस में सुलह कर लो। चौथा, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और अपनी पलकों में झपकी आने दे, मत सो जब तक तू अपने पड़ोसी से जो तूने वादा किया है या झूठ बोला है, जो गवाही दी है, जब तक उसको स्पष्ट ना कर ले, सो मत। अपनी नींदों में आंखों में नींद मत आने दे, उससे पहले कर ले। पांचवा, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। अपने हाथ को उससे, अपने आप को एज ए छुड़ा ले शिकारी के, उसने पकड़ लिया तुझे। प्रेज द लॉर्ड। न्याय है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों है न्याय।
आप ये मत समझिए आप कुछ भी बोलकर किसी की भी हानि कर लेंगे और आप छूट जाएंगे, हो सकता है इस जीवन में छूट जाए, लेकिन जब न्याय होगा परमेश्वर आपसे पूछेगा। और बाइबल कहती है कि हमें उसको यहीं पर निपटाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए इस न्याय को, इस आशीष को हम अपने जीवन में कैसे रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने कहा है कि हमें धरती पर, हम एक अधिकारी के रूप में, यानी कि धरती को अपने बस में कर लो, जो परमेश्वर का वचन था। प्रेज द लॉर्ड। आपको याद है परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में हमें आदम के द्वारा ये अधिकार दिया, ये प्रॉमिस दिया कि धरती को अपने बस में कर ले। प्रेज द लॉर्ड। आदम ने पाप किया और उस पाप की वजह से वो अधिकार शैतान ने ले लिया और हम धरती पर नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर की यही इच्छा उसने यीशु मसीह के द्वारा पूरी दी। और अब हमें परमेश्वर उठा के लेके जाएगा स्वर्ग में, 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे और उसके बाद जब हम आएंगे धरती पर तो क्या करेंगे, अधिकार, यानी कि वही उत्पत्ति 1:28 को निभाएंगे हम। रैप्चर में आने के बाद 1000 साल तक कौन राज्य करेगा, हम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए जैसे हम मसीह में आते हैं, जैसे हमें नया जन्म मिलता है, परमेश्वर हमें हथियारों से, शस्त्रों से लैस कर देता है। इफिसियों 6:13-18 के बीच में निकालिए, इफिसियों 6:13-18 के बीच में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के में सामना कर सको। 12वां पढ़ो एक बार, 12वां। क्योंकि हमारे यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। 13वां। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेज द लॉर्ड। अब इस वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो जिन हथियारों की बात पौलुस ने यहाँ पर की है, उन हथियारों को हमें किसी से लेना नहीं है। ध्यान से समझिए ये वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, यानी कि जो हथियार अभी हम बांधने वाले हैं वो हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, वो हथियार हमारे पास हैं। यहां कहीं नहीं कहता है कि वो हथियार मांग लो, वो हथियार ले लो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो कि वो हमें हथियार मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि तुम्हें हथियार दिए हुए हैं। सत्य को अपनी कमर से बांधो, ये पहला हथियार है। धार्मिकता की झिलम को पहनो, ये दूसरा हथियार है। आत्मा की तलवार से परमेश्वर का वचन बोलो, ये चौथा अधिकार है, हथियार है। तो परमेश्वर ने वो हथियार हमें दिए हुए हैं, हमें सिर्फ बांधना है। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, इसलिए सत्य एक हथियार है हमारे लिए, उससे अपनी कमर कसो। सत्य है आपके पास? Yes. कौन है सत्य? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। किसके पास यीशु मसीह है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो हथियार जो सत्य है वो हमारे पास है। यीशु एक हथियार के रूप में आपके पास क्यों है? क्योंकि जब तक वो सत्य आपके पास रहेगा, शैतान का झूठ आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए उस हथियार को बांध लो, सत्य को अपनी कमर से बांध लो, हमेशा अपने साथ बांध के रखो, घर में छोड़ के मत आओ। अगर कहीं आप काम पे जाते हैं मंडे टू फ्राइडे, तब भी उस सत्य को लेके जाओ। ये नहीं कि आए संडे के संडे यीशु मसीह के साथ थे, बस बाइबल रखी, सत्य घर में रखा और चले गए, फिर शैतान नहीं छोड़ेगा। काम में बैठे हुए हो, सत्य बांधो, सत्य को हमेशा अपने साथ रखो, सत्य को बांधो, सत्य को अपनी कमर से बांधो। धार्मिकता का झिलम पहन कर, 24 घंटे धार्मिकता की झिलम पहनो, शील्ड, कवच, धार्मिकता की पहने रहो जो आपको, आपके पास है, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। 15वां। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, आमेन,
पैरों में सुसमाचार जो कि एक सामर्थ है उसके जूते पहनकर आओ, कभी भी जा सकते हो। परमेश्वर का सामर्थ सुसमाचार क्या है? एक सामर्थ है। रेज द लॉर्ड। रोमियो 1:16-17 पढ़िए। रोमियो का 1:16-17 सुसमाचार एक सामर्थ है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता इसलिए कि वह एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यानी कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके पास रहे तो सुसमाचार हमेशा अपने साथ रखिए, सुसमाचार के जूते पहनकर। 16 और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर इस सब के साथ विश्वास की ढाल जो एक मेन हथियार है आपका, उसको लेके रहो। क्योंकि दुष्ट के जलते हुए तीर, कौन दुष्ट है? कौन दुष्ट है? प्रेज द लॉर्ड। वो जो शैतान है, जो दुष्ट है, वो हर पल तीर जलते हुए छोड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आप यहां बैठे हुए, बाहर वो तीर कमान लेके बैठा हुआ जलते हुए तीर आपके लिए। हेलो, आप नहीं जानते वो हर वक्त चौकन्ना है आपको तबाह करने के लिए, आपको आजमाइश में लाने के लिए वो हमेशा रेडी है। इसलिए हमेशा जलते हुए तीर लेकर वो आप पर फेंकता है। अगर आपके पास विश्वास की ढाल है तो आप उन बुझते हुए तीर, जो जलते हुए तीर है, उनको बुझा सकते हैं। हालेलुया। 17 और उद्धार का टो और आत्मा की तलवार, और उद्धार का टोप ले लो। उद्धार का टोप यानी कि वो मान, वो सम्मान, वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, वो साथ में लेके चलो। और आत्मा की तलवार से परमेश्वर का वचन बोलो। शैतान सिर्फ शरीर को ही घात कर सकता है। अगर मती 4 और लूका 4 में हम देखेंगे तो यीशु मसीह को शैतान ने शरीर की आजमाइश दी। भूख लगी है तो ये खा ले, ऊपर से गिरेगा तो परमेश्वर तुझे बचाएगा, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ शरीर के शरीर का। और यीशु मसीह कैसे बचे? आत्मा की तलवार से प्रभु का वचन बोलकर। वो हथियार किसके पास है? हमारे पास है। इसलिए शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे भाई शैतान आपका कुछ कर रहा है तो कोई ना कोई हथियार जो आपके पास है आपने नहीं रखा। अगर आपके घर में चोरी हो रही है तो आपने ताला नहीं लगाया, नहीं लगाया। आपके पास हथियार है, आपके पास सत्य है, आपके पास धार्मिकता है, आपके पास उद्धार का टोप है, आपके पास आत्मा की तलवार है, आपके पास विश्वास की ढाल है, आपके पास सारे हथियार हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गड्ढे में गिरते हैं तो आपने हथियार नहीं डाले। प्रेज द लॉर्ड। 18 इससे बड़ा हथियार, सुनो ध्यान से समझिए, और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय, हर प्रकार से आत्मा में विनती करते रहो, प्रार्थना में प्रार्थना करते रहो। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, प्रार्थना में रहिए। आपके पास मोटरसाइकिल है, प्रार्थना में रहिए। कार में जा रहे हैं, प्रार्थना में रहिए। प्रार्थना निरंतर, हर समय, हर समय। प्रेज द लॉर्ड। ये हथियार है आपके पास ताकि शैतान आपके जीवन में काम ना करे। अकेले बैठे हैं, इससे क्या होगा? एक तो दूसरों के बारे में आपको सोचने का वो नहीं मिलेगा समय। और क्या करना है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करनी है, विनती और करते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, सिर्फ अपने लिए नहीं, और जो आपके भाई बहन हैं, जो पवित्र लोग हैं, उनके लिए भी विनती करते रहो, प्रार्थना करते रहो। शैतान आपके घर में नहीं आएगा, शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये हथियार किसके पास है? आपके पास है। अब आप इसका नहीं यूज करेंगे तो शैतान तो आएगा ही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आएगा।
खली भी अगर चला जाए युद्ध करने के लिए और बिना हथियार के खड़ा हो जाए, मर जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? हथियार होगा तो बच जाएगा। तो आपके पास हथियार होना जरूरी है, इसलिए अगर उन हथियारों को लेंगे तो आप इस धरती पर अधिकार रखेंगे, इस धरती को अपने बस में करेंगे, फिर इस धरती की जो चीजें हैं ना, जो आजमाइशें हैं ना, वो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कभी ये निकल के आता है, कभी ये, कभी कभी कोई चकाचौंध, कभी कोई आजमाइश, कभी कहीं लालच, कहीं कोई मोह, कुछ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब आपके पास ये हथियार होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब इस धरती को अपने बस में कर लें। आज का वचन हमने सुना, ग्रहण किया, बोलिए यीशु मसीह की।